सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और मोहनलाल बड़ोली खरकोदा विधानसभा के कई गांवों के दौरे पर हैं, जहां उनका मतदाताओं द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। खरकोदा विधानसभा के गांव ककरोई से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की और केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं और नीतियों को लेकर मतदाताओं से अपने लिए मतदान की अपील की। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आज एक बार फिर सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ खरकोदा में चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोनीपत की जनता का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास, रोजगार, शांति और भाईचारे की गारंटी दी है, उसका नतीजा है कि हमें 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। ये खरकोदा विधानसभा का तीसरे दिन का प्रवास है और लगातार जनता का आशीर्वाद लेते हुए आज ककरोई गांव में हम पहुंचे हैं। आज 14 गांव का प्रोग्राम है और बहुत भारी उत्साह, आशीर्वाद और प्यार प्रत्येक गांव में 36 बिरादरी के भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को और नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की गारंटी, शांति की गारंटी, सबको रोजगार की गारंटी, सबके सम्मान की गारंटी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, ये उसी की ताकत है, उसी विश्वास पर आज हमें बहुत भारी जनसमर्थन मिला।